कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से दो बार सांसद चुने गए ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष। बिरला छात्र राजनीति से उभरे और महज 17 साल की उम्र में 1989 में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुमानपुरा के छात्र संघ अध्यक्ष बने। 2003 में कोटा दक्षिण सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पहला विधानसभा चुनाव जीता। बिरला की जीत का रथ 2008 में भी जारी रहा। 2013 में एक बार फिर तीसरी बार विधायक चुने गए। वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव बने और जनाधार देखते हुए बीजेपी ने बिरला को कोटा बूंदी क्षेत्र से मैदान में उतार दिया। बिरला दोनों बार लाखों वोटों से जीत दर्ज कराकर संसद पहुंचे। पार्टी ने दूसरी बार संसद सदस्य बनने पर लोकसभा स्पीकर बनने का अवसर भी दिया। लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते बेहद अहम बिलों को संसद में पास करवाना और संसद की कार्रवाई चलाने की अहम भूमिका ओम बिरला ने निभाई। ओम बिरला ने 2014 में कांग्रेस के इजराज सिंह को हराया था और 2019 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राम नारायण मीना को मात दी थी। ये बात अलग है कि कभी कांग्रेस से सांसद रहे इजराज सिंह बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इजराज सिंह की पत्नी कल्पना देवी को लाडपुरा सीट से मौजूदा विधायक भवानी सिंह राजावत का टिकट काटकर उतार दिया था और कल्पना देवी ने जीत हासिल की थी। ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास के कार्य करवाए हैं, फिर चाहे कोटा में एयरपोर्ट की बात हो या फिर बूंदी जिले में किए विकास के कार्य हो। अक्सर अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। हाड़ौती की राजनीति में ओम बिरला की अच्छी पकड़ है और दिल्ली में भी ओम बिरला की गहरी पैठ है। मोदी अमित शाह के गुड बुक्स में शामिल है और कई मौकों पर संसद में संकट मोचक की भूमिका निभा चुके हैं। कोटा जिले में बिरला के बढ़ते प्रभाव ने उनके विरोधियों की राजनीतिक धरा को कुंद कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में दावेदारों का जमावड़ा बिरला के झंडे के तले जुटना भी शुरू हो चुका है, फिर भी एक सवाल का जवाब हाड़ौती में किसी बीजेपी नेता के पास नहीं है कि 2024 में लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल पूरा होने के बाद बिरला का राजनीतिक भविष्य और राजनीति में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है। लेकिन एक बात खास है कि जब वो लोकसभा स्पीकर थे तो फिर उस समय भी कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना काल में वो एक ब्रिज की तरह नजर आए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। चाहे फिर ऑक्सीजन की बात हो या तमाम ऐसे मुद्दों की बात हो, ओम बिरला ने न सिर्फ कोटा बल्कि पूरे राजस्थान में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा भी आज भी न सिर्फ कोटा पूरे राजस्थान से अगर किसी भी व्यक्ति को एम्स में भर्ती होना है, कोई परेशानी है, तो 20 अकबर रोड का दरवाजा हमेशा खुला रहता है।